सो हे गाइस, दिस आयुष्मान बिस्वारी। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपन का फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्मल जो अपन फॉर्म अपन भरते हैं ना किसी भी चीज का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, किसी स्कूल का अपन का एडमिशन कराना तो उसका फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा अपन का अगर ऑनलाइन बोले तो फेसबुक पेज ही समझ लो। फेसबुक में जब अपन लॉग इन करते हैं तो एक फॉर्म दिखता होगा तुम लोग को, है ना? तो वो बेसिकली कैसे बनता है उसके ऊपर अपन यहाँ से अच्छे डिटेल में बात करेंगे। फॉर्म्स के ऊपर यार यहाँ से आई गेस 4 से 5 सेपरेट वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपन को इसको अच्छे से सीखना जरूरी है। अपन थोड़ा बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। जैसे तुम लोग को इस फेसबुक के लॉग इन पेज पे दिख रहा होगा कि अपन का क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ से ईमेल और फोन लिखा हुआ है, फिर पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर डब्बे बने हुए है ना। तो याद है जैसे जब अपन इन डब्बों पे क्लिक करते तो पहले पीछे से एक ब्लरी इमेज आती थी, मतलब ब्लरी टेक्स्ट आता था, पासवर्ड और यहाँ से ईमेल, मतलब पासवर्ड या फिर अपन का ईमेल आईडी यहाँ से है ना। तो वो कैसे देखते हैं अपन ये सीखेंगे। तुम लोग जैसे इसमें देख सकते हो कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम सरनेम, लेकिन जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से ही चला जाता है और इसमें अपन टाइप कर लेते हैं अपन का फर्स्ट नेम या फिर सरनेम। इसको अपन कैसे करते हैं अपन ये सीखेंगे। नीचे तुम लोग देख रहे होगे कि यार यहाँ से मेल और फीमेल में अपन का रेडियो बटन दे रखिए। रेडियो बटन मतलब दोनों में से अपन कोई एक ही चूज कर सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। फिर तुम लोग देख सकते होगे कि यार इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे, अगर उसमें मान लो आगे कि यहाँ से व्हाट इज योर बर्थ डेट, तो उसमें अपन क्लिक करते हैं पूरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली मंथ्स के लिए और सिमिलरली इयर्स के लिए। तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपन कैसे डालते हैं। अगली बात, जैसे अगर अपन कभी पासवर्ड सेट करते हैं, हाँ अब अपन अगली एक और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जिसको अपन बोलते हैं वैलिडेशंस। वैलिडेशंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी नई ईमेल आईडी बनाने जाते हो तो वो लोग उसमें बोलते हैं ऐसे कि पासवर्ड सेट करो, कंफर्म द पासवर्ड। तो तुम कुछ भी पासवर्ड नहीं डाल देते होगे, उसमें लिखा हुआ आ जाता है ना कि यार यहाँ से पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 8 लेटर्स, उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, उसमें सिंबल्स होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं बेसिकली वैलिडेशंस। वैलिडेशंस मतलब वो वैलिडेट करता है कि भैया जब तक आप हमारी सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करोगे हम आपके अकाउंट को आगे नहीं बढ़ने दे सकते, मतलब हम आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली होता है वैलिडेशंस कि भाई अपन किसी भी अकाउंट में मतलब वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। तो वो अगर कंडीशन मुझे मान लो डालनी है, मैं मान लो चाहता हूँ कि मैंने कुछ ईमेल आईडी का बनाया और मैं चाहता हूँ कि वो अपन का निल ना हो, ये भी अपन का एक नया केस आ जाता है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अपन सीधा सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो उसमें आ जाता है कि यार यहाँ से ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड ये अपन कैसे डालेंगे, तो वो अपन का वो तो अपन बेसिकली देखेंगे कि कैसे करना है। तो ये भी एक आ जाता है वैलिडेशंस के अंदर। फिर सबसे लास्ट में अपन की नीचे आ जाती है ऐसे क्रिएट अकाउंट, जिसको अपन क्रिएट अकाउंट या सबमिट बटन जो अपन की आती है, तो उस सबमिट बटन से अपन की जो इन्फॉर्मेशन कहीं और चली जाती है वो अपन कैसे करते हैं। अब देखो ज्यादा इसमें अपन फॉर्म्स में केवल अपन ऊपर ऊपर से देख पाएंगे क्योंकि इसका बैकएंड अपन को नहीं पता। मतलब जब अपन क्रिएट अकाउंट करते हैं तो मुझे नहीं पता कि यार यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर हुई है, क्योंकि वो अपन का पूरा काम हो जाता है बैकएंड का। इसलिए हो सकता है कि यार यहाँ से शायद इतना फील ना आए, लेकिन अपन को यार यहाँ से फील से नहीं लेना क्योंकि अपन को ऐसे केवल ऊपर ऊपर से मतलब अपन को एचटीएमएल कोड और अपन को इसका फ्रंट एंड समझना, अपन को इसका बैकएंड नहीं देखना। तो आई गेस तुम लोग को शायद सारी चीजें ओवरव्यू दे दिया कि इसमें क्या क्या आने वाले, क्या क्या आने वाले मैं बता चुका हूँ। ऐसे एक अपन का ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, एक अपन का रेडियो बटन आएगा, एक अपन का रिक्वायर्ड वाली फील्ड आएगी, एक अपन का वैलिडेशन आएंगे, एक अपन का सबमिट बटन और ये सारी चीजें आएंगी। तो काफी मजा आने वाला है और इसमें काफी कुछ चीजें सीखेंगे अपन, ठीक है। और इसको डेफिनेटली एंड में अपन इसके ऊपर एक असाइनमेंट करने वाले हैं, तो सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सो आई गेस तुम लोगों को काफी सारी एक आइडिया लग गया होगा कि अपन फॉर्म्स में क्या क्या करने वाले हैं और कल से अपन इसके ऊपर कोड लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।